लोकसभा चुनाव से एक साल पहले ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के साथ साथ कर्नाटक विधानसभा के लिए भी प्रचार शुरू कर दिया है, जहां आने वाले 3 महीनों में चुनाव होने हैं। शुक्रवार को बीदर जिले के बसवकल्याण शहर में विजय संकल्प यात्रा में लगभग 1 घंटे तक बोलने वाले शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव के लिए नतीजे ने केवल पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि पूरे देश के लोगों में मूड का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे लोगों ने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर भाजपा और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गालियां भाजपा के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी अधिक ताकत दे रही है। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी क्या है और वह कैसे है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, देश में 130 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाकर उन्होंने देश में कोविड 19 को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है, जबकि बड़ी शक्तियां पीछे रह गई। हमारे देश ने अन्य देशों को भी कोविड वैक्सीन भेजी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दूसरी उदासी में यहां पर आए थे, मैं अभी गुरु नानक साहब की स्मृति में बने गुरुद्वार साहब में मत्था टेक कर आया हूं और यहां से जाकर बसवन्ना को श्रद्धांजलि देने अनुभव मंडप में भी जाने वाला। यहां के नरसिम्हा मंदिर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और यहां पर जो 800 साल से बसवन्ना ने लोकतंत्र का यज्ञ चालू किया है, आज मोदी जी इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। ऐसी मोदी जी के लिए अब शब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता, आजाद ही न। सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन करकर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के एक हिस्से का नाम, जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है।